दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कुछ मेरे ऐसे न्यू भाई हैं जिनको परेशानी होता है। मान लीजिए वो जैक लगाने में अपना माइक ख़राब कर लेते हैं या और भी बहुत सारा उनके साथ प्रॉब्लम होता है या कीपैड ख़राब हो जाता है उनसे, या तो बहुत बार ये तो होता है कि मान लीजिए वो जैक तो लगा दिए लेकिन कस्टमर बोलता है भैया आप सेट डेड कर दिए हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है प्रॉपर, इस वीडियो में हम बस यही सब बात करेंगे कि आखिर मान लीजिए एक फ़ोन का चार्जिंग जैक अगर कस्टमर हमसे लगवाने आता है तो हमें किस किस बातों का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, वीडियो जो बनाने का मकसद है वो यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, ये लड़का है। तो फिलहाल जो है ये मेरे शॉप पे जो है न्यू है और नया आया है। मान लीजिए आज 8 से 10 दिन हुआ है, बाकी आज इनको चार्जिंग के बारे में कुछ मैं बताने जा रहा हूँ ताकि ये भी कुछ काम कर सके, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए सबसे पहले तो इनको बता दूँ, फ़ोन ये ओपन कर लिया है, एक जियो फ़ोन में ये चार्जिंग जैक लगाना चाहता था, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा बात होता है जो कि मैं इनको बता देना चाहता हूँ ताकि इनको भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई फ़ोन हमें मेरे पास अगर कोई फ़ोन आता है कस्टमर लेकर के, तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक जैक लगवाने के लिए मान लीजिए उनका फ़ोन तत्काल ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर किसी फ़ोन का जैक ख़राब होगा और उस समय फ़ोन तो ऑन होगा नहीं उस बैटरी से, तो मेरे पास यहाँ पे विकल्प क्या बच जाता है कि फ़र्स्ट हम फ़ोन को चेक कर लें, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि फ़ोन उनका डेड होता है और वो चार्जिंग समझ के आ जाता है। तो फिलहाल जो है देखो, सबसे पहले अगर कोई कस्टमर तुम्हारे पास फ़ोन लेकर के आता है तो क्या करना है, सबसे पहले पता है, सबसे पहले करना तुमको ये है कि कस्टमर जब फ़ोन लेकर के आए तो यहाँ पे फ़ोन का सबसे पहले यानी चेक करना होगा हमें कि यहाँ पे फ़ोन मेरा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि कस्टमर बाद में ये ना बोले कि फ़ोन जो है मेरा डेड कर दिया या ये। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को पहले हमें चेक करना होता है। अगर मेरे पास डीसी पावर सप्लाई मशीन है तो हम डीसी पावर सप्लाई मशीन में फ़ोन को लगाकर चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आप बैटरी से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हैं आप नए हैं तो यहाँ पे आपके पास हो सकता है डीसी पावर सप्लाई मशीन ना हो। तो सबसे पहला काम जो होता है दोस्तों वो होता है फ़ोन को हम ऑन करके चेक कर लें, ताकि बैटरी लो बता भाई, बैटरी नहीं लो लगा हुआ है, जो बैटरी लो लगा, अच्छा वहाँ पे बता रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, डीसी पावर सप्लाई मशीन से फ़ोन जो है मेरा ऑन नहीं हो रहा है। बाकी क्यों नहीं हो रहा है, हो सकता है वायर में प्रॉब्लम हो, नीचे गिरा हुआ था। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, फ़ोन जो है कस्टमर दिया है इसमें चार्जिंग पिन लगाने के लिए, लेकिन फ़ोन यहाँ पे मेरा ऑन नहीं हो रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ से भी ऑन नहीं हो रहा है और डीसी पावर सप्लाई मशीन जो है मेरा इससे भी ऑन नहीं हो रहा है। तो तत्काल अगर हम कस्टमर को यहाँ पे जैक चेंज करके दे देते, यहाँ पे अगर हम जैक कस्टमर को चेंज करके देते तो वो लेता नहीं, क्या पेमेंट वो देता नहीं? क्यों नहीं देता? क्योंकि उसका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है और फ़ोन पहले से ही उसका ऑन नहीं हो रहा है। तो इसलिए कभी भी कस्टमर अगर आता है जैक लगवाने के लिए तो फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि फ़ोन इसका ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कस्टमर होता है जो ये सोचता है कि मान लीजिए फ़ोन मेरा कंप्लीट है, सिर्फ चार्जिंग प्रॉब्लम है, लेकिन इस फ़ोन में ऐसा फ़िलहाल नहीं था जो कि कस्टमर चार्जिंग के लिए दिया था, बाकी फ़ोन डेड है। लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसा बात है जो कि मैं आपको बता दूँ, आप लोग भी वीडियो पर बने रहिए, इनको मैं बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि ये न्यू है। फर्स्ट अगर जैक लगाना है तो जैक लगाते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि फ़ोन सही से खोलना है, बाकी खोलते समय जो है डिस्प्ले साइड से ओपनर जो होता है वो नहीं लगाना है, डिस्प्ले ऊपर साइड से, एक कीपैड फ़ोन का बात मैं बता रहा हूँ, अगर ऊपर साइड से जो है ओपनर नहीं लगाना है और सही से निकालना है ताकि कोई पार्ट्स जो है नहीं टूटे, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड अगर जैक लगाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, जैक लगाने से पहले इसका जो फ्लैप होता है, एक कीपैड फ़ोन का जो फ्लैप नीचे अगर है जैक लगा हुआ तो इस फ्लैप को पहले निकालना होगा, कहाँ क्या निकालना होगा, फ्लैप, हाँ ये एक तरह का कीपैड पत्ता भी बोल सकते हो, तो इसको पहले निकालना है, उसके बाद जाकर के जो है जैक लगेगा। उसके बाद यानी फ्लैप निकालने के बाद भी कुछ इस तरह का बात होता है, जैसे यहाँ पर माइक लगा हुआ है, माइक लगा हुआ जी, तो माइक को यहाँ पे कुछ चीज़ से हमें कवर करना होता है, क्योंकि कस्टमर का माइक सही है
अगर जैक लगाने के लिए दिया है तो फ़ोन उसका कंप्लीट होगा, तभी तो जैक लगाने के लिए दिया है, और जैक ख़राब होगा तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है दोस्तों, आप लोग भी समझ लीजिए। देखिए हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मान लीजिए हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है या हम बहुत ज़्यादा ज्ञान ये कर रहे हैं, बाकी कुछ मेरे ऐसे भाई हैं जो गलती कर बैठते हैं तो उनके लिए खास करके। देखिए मार्केट में जो है आपको हीटसिंक टेप मिल जाएगा, हीटसिंक टेप है ये। यार गाड़ी का जो है ना आना जाना बहुत ज़्यादा है मेरे यहाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आप सुन ही सकते हैं। तो बात कर रहे थे यहाँ पे हीटसिंक टैप का। सब तो यहाँ पे जैक लगाने से पहले क्या करना है, हल्का सा हीटसिंक टैप इसे बोला जाता है, तो इसे निकाल करके माइक पे बैठा देना है ताकि हीटिंग देते समय जो है माइक मेरा ख़राब ना हो। और कोशिश हमें करना है कि माइक साइड से हीटिंग नहीं देना है, हल्का इधर से ही रखना है, ठीक है। और उसके बाद जा करके और यहाँ पे जो है उसके जब हीटसिंक टैप लगा लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, SMD का जो है टेम्परेचर क्या रखना है वो समझ लो। यहाँ पे हमें SMD का जो टेम्परेचर है वो हीटिंग, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ, चलिए फ्रंट कैमरा से ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें जो हीटिंग रखना है दोस्तों, एक नॉर्मल जैक, नॉर्मल बटन फोन का जैक निकालते समय जो है 300 के तकरीबन आपको हीटिंग रखना है। और एयर जो है दोस्तों वो आपको देखिए सब SMD में सब तरह का एयर होता है, तो हम यहाँ पर जो है 3.0 पे रख लेते हैं या 2.5 3.0 पे रखते हैं हम अपना ये SMD में, और ये सही वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, समझ गए हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना बात तो हो गया कि जैक लगाने से पहले यानी जैक निकालने से पहले तक का, अगर जैक लगा दिए उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एयर समझ ही गए हो कितना रखना है, 3.0 इस SMD में, बाकी अदर SMD एडजस्टिंग के हिसाब से रखना है। सेकेंड हीटिंग जो है 300 के तकरीबन में रखना है। और एक बात का और यहाँ पे हमें जो है एक बात का और ध्यान में रखना है कि कभी भी SMD जब हम लगाते हैं तो 40 सेकेंड से ज़्यादा तक कंटिन्यू नहीं लगा करके रखना है। अगर इससे ज़्यादा हम लगा कर रखते हैं तो हो सकता है मेरा यहाँ का प्रिंट डैमेज हो जाए या बहुत बार बहुत तरह का प्रॉब्लम आ जाता है बोर्ड में, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर 300 पे हम रखे हुए हैं इस SMD पे, अगर नहीं निकला है जैक तो फिर से हम दोबारा रख लेंगे, हल्का सा फिर बढ़ा लेंगे यानी 310 या 320 हीटिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर से दोबारा लगाएंगे यानी 40 सेकेंड। अब ये नहीं कि जैक नहीं निकल रहा है, हम 2 मिनट या 3 मिनट तक कंटिन्यू लगा करके रखेंगे तो इससे क्या होगा, मेरा बोर्ड जो है वो जलने का डर बना रहता है, तो इसका बात को भी ध्यान में रखना है फर्स्ट। और सेकेंड जो है यहाँ पर जैक को क्या कैसे लगाना है ये समझ लो, एक न्यू जैक लेना है हमें। चलिए दोस्तों बैक कैमरा करके ये बात भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आगे देख लो यहाँ पे जो है तुमको क्या करना होगा, क्या नाम हुआ पप्पू ना, हाँ जी। तो यहाँ पे जो है ना जैक, कोई भी जैक जैसे लेते हो तो जैक के अंदर एक सोल्डिंग कर लेना है, ताकि देखो इस तरह से जो हल्का पेस्ट डाल देना है, हम नहीं डाले हैं, बाकी पेस्ट डाल करके हल्का रंगा के माध्यम से जो देसी जो अपने यहाँ जिस तरह से काम होता है हम वो बता रहे हैं, बाकी अगर एक जेनुइन तरीका पे जाया जाए तो और भी काम होता है, बाकी जो हमारे यहाँ नॉर्मल जो काम होता है उसके बारे में हम बताते हैं। उसके बाद जो है हल्का सा जो ये पॉइंट दिख रहा है 5 पॉइंट, इस पर भी हमें क्या करना है ज़रा समझ लो, मेरा आयरन जो है थोड़ा सा डैमेज है, इस तरह से सोल्डिंग इस पर भी हमें कर लेना है ताकि आपस में दोनों पकड़ बने, पकड़ ताकि कस्टमर का पिन जो है जल्दी डैमेज ना हो, इस दोनों पे भी सोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पे इसको रिसोल्ड कर देने के बाद तब जा करके जैक इस पर लगेगा, ठीक है, यहाँ पे समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो था बस इनको समझा रहा था, कुछ ऐसा बात था, देखिए बहुत मेरे ऐसे भाई हैं जो ये चीज़ नहीं जानते हैं, बाद में फंस जाते हैं कस्टमर का फ़ोन ले करके जैक लगाने के लिए, तो उनके लिए खास करके ये वीडियो था। बाकी यहाँ पे हम बस इतना तो समझाए हैं, बाकी जो है आगे नीचे जब हम इस जैक को निकालेंगे तो वहाँ पे भी सही से साफ़ करना होगा आयरन की मदद से, और हो सकता है अगर डिसोल्डर वायर हो और रोजिन पेस्ट हो तो उसकी मदद से भी हमें साफ़ कर लेना चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों जैक कैसे लगाएंगे इस पर वीडियो बना हुआ है मेरा, नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक है, जा कर के देख सकते हैं। जब जैक मेरा कंप्लीट लग जाए तो नीचे 5 पिन पे सही से रिसोल्ड कर देना है ताकि दोनों का पकड़ बन जाए। उसके बाद जो है दोस्तों जब मेरा कंप्लीट जैक लग जाए तो सप्लाई चेक कर लेना है। सप्लाई चेक करने के बाद जो है उसके बाद का जो प्रॉपर बात है वो मैं बता रहा हूँ। कीपैड पत्ता यहाँ पे बैठाने से पहले दोस्तों आपको क्या कर लेना है, आप लोगों को भी यहाँ पर बता दूँ। देखिए बहुत बार मेरे कस्टमर के साथ ये प्रॉब्लम आता है
कि जैक लगाने के बाद कभी उनका स्टार बटन या कभी हच बटन सही से वर्क नहीं करता है। तो इसको सही से आपको जो थिनर यूज करते हैं उसके माध्यम से सही से पूरा क्लीन कर देना है, उसके बाद जा कर के जैक को सही से लगा देना है ताकि कस्टमर का काम जो है परफेक्टली हो। और एक बार जो है ना कस्टमर आपके पास से कोई काम करवा के जाए तो दोबारा वो खुद भी आए और साथ में दो चार पांच कस्टमर को भी लेकर के आए। तो काम कुछ इस तरह से करके दिया कीजिए, यानी कोई भी काम करते हैं चाहे जैक लगाते हैं या माइक लगाते हैं कुछ भी करते हैं तो पूरी सफाई के साथ काम किया कीजिए ताकि उनको ऐसा ना लगे कि मान लीजिए किसी अदर शॉप पर जाए तो वो कुछ मान लीजिए उनको कुछ समझाना भी चाहेगा ना तो भी नहीं समझा पाएगा। अगर आप अपना काम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ करके देते हैं तो उनको समझाने से क्या होता है, कस्टमर आपका संतुष्ट है बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए हो आज जो है कितना समझाया है, जो भी समझाया है जैक किस तरह से लगाना है। अगर कोई कस्टमर तुम्हारे पास जो है जैक लेकर आता है वहाँ पे लगाने के लिए जब आता है तो वहाँ पे इस बात को फॉलो ज़रूर करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये लड़का मेरे शॉप पे न्यू ये रहना स्टार्ट किया है, ये बात तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है ये रहना स्टार्ट हो चुका है इनका, बाकी देखिए ये कितना दिन में सीख पाता है और किस तरह से अगर कंटिन्यू इनका आना जाना सही रहता है तो हम भी इनको प्रॉपर काम सिखाएंगे और आप लोग भी देखते रहिए। देखिए इनसे कोई पेमेंट या कुछ हम ऐसा ले नहीं रहे हैं, बस बिल्कुल अपना। देखिए यहाँ पे दो बात होता है, यानी मेरा भी हेल्प हो जाता है और ये भी काम सीख लेगा, दोनों बात होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर काम सीख लेता है तो यहाँ पे चलिए आगे जो भी होगा वो तो आप लोग देखते ही रहिएगा मेरे चैनल पे। और आज का जो वीडियो था बस यही था यार। मेरे यहाँ इतना ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना है ना जो कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है कि पूछिए ही मत। बार बार वीडियो को पॉज यानी स्टार्ट बंद करना पड़ता है जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए आज का जो वीडियो था बस यही था और उम्मीद करता हूँ ये भी कुछ सीख पाए होंगे और आगे देखते हैं क्या काम करता है, आप लोगों को तो ज़रूर बताऊँगा किस तरह से काम करता है ये लड़का। फिलहाल तो ये इंटर में पढ़ रहा है लेकिन दिखने में नहीं लगता है इंटर में पढ़ रहा होगा। और अभी से इनका जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हो चुका है। बाकी देखिए अगर थ्योरी के पीछे जाया जाए तो और भी बहुत सारा बात होता है, वो तो फिलहाल मैं उतना नहीं समझा सकता हूँ, इसलिए बाकी कोशिश करूँगा बहुत कुछ इनको समझाऊँ ये भी सीख पाए, क्योंकि अगर सीखता है तो इनका भी कुछ अपना एक रास्ता बन जाएगा काम करने का। बहुत सारा बात होता है दोस्तों, आप लोग तो समझ ही सकते हैं। तो आज का जो वीडियो था बस यही था, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आप लोग बस मेरे चैनल पे इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और हो सके तो वीडियो को भी शेयर कर दिया कीजिए। और ख़ास करके आज का जो ये वीडियो था मेरे नए भाइयों के लिए, कुछ मेरे नए भाई हैं जो कमेंट करते हैं कि भैया आप स्टार्टिंग से कुछ बातों को बताइए, और कुछ मेरे ऐसे भाई हैं जो कमेंट करते हैं कि मेरे साथ आज इस तरह का प्रॉब्लम हो गया जैक लगाने में, फ़ोन डेड था उनका, बोला फ़ोन डेड कर दिया। तो बस इसलिए ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ। चलिए।